हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। जो बच्चे क्लास 11th में आना चाहते हैं या 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए वीडियो है बच्चों, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को क्लास 11th या 12th हो इसके लिए लगने वाला बेसिक है, ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोगों को जब भी कोई टेक्स्ट बुक या कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उस टाइम पे बहुत बड़े ऑब्स्टैकल्स आते हैं और इन्हीं चीज़ों के कारण हम लोग नॉलेज को गेन नहीं कर पाते। क्या आप लोग नॉलेज गेन करना पाते हो? तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, मेरा नॉलेज अच्छी तरीके से गेन करना चाहता हूँ मैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए आप लोगों को बेसिक फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं लेकिन ये बेसिक वीडियो है। चलिए इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वांटिटीज जो है उसके बारे में मैं धीमे धीमे आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिंपल सिंपल है, पहले मैं बताऊंगा, बाद में डिस्टिंग्विश बताऊंगा, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे करके रखी है आपके लिए। लेकिन पहले सबसे पहले समझते हैं कि स्केलर क्या होता है। ठीक है, सबको पता होगा लेकिन ये जरूरी है बच्चों, बेसिक है लेकिन चीज़ क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा यहाँ पे लिखूंगा मैं वेक्टर, कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। पता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन तो भी एक क्लियरिफिकेशन होना जरूरी है। कुछ बच्चों को लगेगा कि मुझे सब आता है, ऐसा नहीं बच्चों, तो भी सुनना है क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसी होगी कि जो आपको पता ना हो या क्लियर ना हो। चलिए मेरा एक सवाल है, एक रोड है बच्चों ऐसी, ठीक है, ये रोड है हमारी, ओके ये, और एक सरदार जी भाई, जो कि सरदार जी साइकिल पे आ रहे थे ऐसे, ठीक है। अब साइकिल पे आने के बाद एक यहां पे, ठीक है, लड़का खड़ा है। सरदार जी आ गए साइकिल पे, जोर जोर के से साइकिल चला रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था भाई। यहां पे आने के बाद इन बच्चों को पूछा, इसका नाम यक्ष, इसको पूछा कि भाई मुझे संतोषी माता मंदिर जाना है, कहां है? तो ये यक्ष जो लड़का है उसने बताया कि सरदार जी आपको 5 किलोमीटर जाना है, ओके। तो सरदार जी गड़बड़ में है, ठीक है, सरदार जी 5 किलोमीटर आ गए भाई, यहां पे आ गए, वाई नाम का एक बंदा था यहां पे, इसको पूछा कि भैया ये संतोषी माता का मंदिर कहां है? तो ये बंदे ने लेकिन 10 किलोमीटर बताया। तब सरदार जी को होश उड़ गए कि भैया ये बंदा बोल रहा था 5 किलोमीटर, और ऑलरेडी मैं 5 किलोमीटर आगे आया हूं, और अब ये वाई वाला जो लड़का है ये बता रहा है कि 10 किलोमीटर, ये कैसे? तो उसने पूछा कि भैया एक बंदे ने मुझे इस चौरासे पे बताया कि 5 किलोमीटर है, इसलिए मैं 5 किलोमीटर आगे आया हूं, है ना भाई? क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या हुआ होगा कमेंट में जरूर आंसर देना, कि ये बच्चे ने यहां 5 किलोमीटर बोलने के बाद सरदार जी 5 किलोमीटर आगे गए, बट आगे वाला वाई नाम का लड़का बोल रहा है कि 10 किलोमीटर है, ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको आंसर कमेंट में देना जरूर, ठीक है, मैं बोलूंगा, देखना चाहता हूं कि सही बच्चे कर रहे। तो बच्चों हुआ ये कि इन्होंने ओनली जो बता रहा था, ये लड़का सरदार जी गड़बड़ में था, ये लड़के का सुना ही नहीं उन्होंने, 5 किलोमीटर मतलब भाग के दौड़ के ऐसे जोर से साइकिल चला के आगे चले गए। तो एक्चुअल में ये लड़की की बात अगर पूरी सुनते तो शायद सरदार जी संतोषी माता के मंदिर के पास पहुंचते। मतलब उन्होंने, इस सरदार जी ने ओनली मैग्नीट्यूड मतलब गिनना, मैग्नीट्यूड है ना मतलब मेजर किया, ओनली डिस्टेंस बता, लेकिन ये बच्चा चाहता था, बोलना चाहता था कि राइट लेफ्ट आगे बोलना चाहता था, लेकिन सरदार जी गड़बड़ में थे। तो ये लड़के ने आपको 10 किलोमीटर का कारण बताया, एक तो उसने मैग्नीट्यूड बताया, मेजर करना मतलब मैग्नीट्यूड, ये 10 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और साथ में बच्चों बाद में ये लड़के ने क्या बताया, डायरेक्शन बताया। क्या बताया? डायरेक्शन। उन्होंने बोला वाई ने कि आप यहां से 5 किलोमीटर जाओ, चौरस आया जाएगा, यहां से आपको क्या करना है, राइट मारना है, ओके। तो आपको यहां पे जो संतोषी माता का जो मंदिर है
वो संतोषी माते का मंदिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये संतोषी माते का मंदिर है, तो यहाँ पे आपको संतोषी माते का मंदिर जरूर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब भाई यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, इस लड़के ने यक्ष वाले ओनली मैग्नीट्यूड बताया था, तो इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जब हम लोगों ने, जब वाई वाले ने सही रास्ते पे या सही जगह पे पहुंचने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बताने के कारण हमारे सरदार जी संतोषी माते के मंदिर के वहां पहुंच जाएंगे। मतलब भाई स्केलर मतलब ओनली क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, मेजर करते हैं, गिनते हैं, मापते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे हमारे यहां पे जो दूध आता है भाई, है ना, दूध जो आता है मिल्क हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे कि शक्कर गिनते हो केजी, ऐसे नाम बोल देता हूँ, ये लीटर में गिनते हैं ना, ये लीटर में गिनेंगे, कुछ चीज़ें मीटर में गिनेंगे, है ना, जो ऐसा जो अंतर है, अंतर डिस्टेंस है, एग्जांपल डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं। कपड़ा गिनना है एक मीटर दो मीटर, इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है। दूध लेने के दो लीटर दूध दे दो अपवर्ड डायरेक्शन वाला, तो वो आपको बावला समझेंगे लोग, है ना, तो दूध दो लीटर दे दो खत्म के साथ। पटेटो लेने गए 2 kg पटेटो दे दो खत्म के साथ, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, जिनको ओनली मापा जाता है। उसके लिए जरूरी होता है एक तो नंबर और दूसरा होता बेटा यूनिट। जैसे कि एग्जाम्पल पे 2 kg पटेटो, ये देखो ये नंबर है और दूसरा ही यूनिट, बस इतनी ही जरूरत है, ओके। इसके बाद में वेक्टर क्वांटिटी में क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा हमने, अगर वेक्टर ना पता होता तो ये हमारे सरदार जी दर्शन देने संतोषी माता का नहीं जा पाते, है ना। तो भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ देखो, मैग्नीट्यूड एक इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, और क्या है, एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, साथ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि मुझे यहां से, मैं छत्रपति संभाजी नगर से रहता हूं और मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। मेरे यहां से, मैं जहां खड़ा हूं यहां से पूर्व दिशा जाना पड़ता है मेरे घर से, तो यहां से मुंबई कितना है, 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है। लेकिन डायरेक्शन क्या बोला आपने? डायरेक्शन बोला कि सर ईस्ट डायरेक्शन जाना पड़ेगा, ईस्ट डायरेक्शन जाना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपको मैग्नीट्यूड मतलब मापना भी पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, और साथ में इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। नागपुर जाना है तो पश्चिम की तरफ और जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, मुझे कहां जाना है इसके ऊपर डायरेक्शन। मतलब इसके लिए हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी बच्चों, जो कि ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, एग्जांपल देना है तो डिस्टेंस ओनली मेजर करते, डिस्टेंस है ना। उसके बाद में स्पीड एक क्वांटिटी, स्पीड मैं अंतर बताऊंगा, स्पीड और वेलोसिटी में भी क्या अंतर होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आज के डिस्कशंस में है बच्चों। क्या आपको समझ में आया? तो बच्चों थम करना है, नीचे लिखना है कि हाँ सर बहुत अच्छे तरह से समझ में आया, मजा आ रहा था सेशन में, और अपने दोस्तों तक शेयर करना। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ओनली महाराष्ट्र बोर्ड, ऐसा किसी ने बनाया नहीं, बेसिक लेक्चर बनाया नहीं, ठीक है, मैं जो ले रहा हूँ इस लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में आओगे तो सब पता लगेगा। फिलहाल में अंडरस्टैंडिंग में नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप लोग 10th तक ऐसा नहीं पढ़ते हो, थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हो, तो आपको ये वीडियो शेयर करना, दो बार देखना है ना, लाइक करना है और चैनल का सब्सक्राइब भी करना, और नीचे डालो आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम लोग अभी देखने वाले बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके पहले कुछ डिस्टिंग्विश दिया वाला है, देखो मैंने जानबूझकर इसको क्या बोला है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए नंबर एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला ना 350 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, इसके लिए ओनली नंबर इंपॉर्टेंट है। 2 kg पोटैटो दे दो, सिंबल दिए वाला डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन है, स्केलर को डायरेक्शन है नहीं है। इसका एग्जांपल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, इसका मास एंड टेम्परेचर, मास गिनते समय 2 kg पोटैटो दे दो, कभी डायरेक्शन नहीं बताते। टेम्परेचर 50 हो गया, क्या डायरेक्शन बताते हो? नहीं बताते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं पहले आपको कहानी बताऊंगा और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाद में ये आपको पीपीटी भी मिलेगी, कहां मिलती है सर? एक पीजीएमएन ऐप है, देखो पीजीएमएन ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो। इसमें हम लोग बेसिक लेक्चर बोल के पीपीटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बेसिक लेक्चर, ठीक है। ये पीपीटी आपको यहां पर, पहले डिस्टेंस मान दे, डिस्टेंस क्या होता है, और यहां पर लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब मैं निकल रहा हूं यहां से, ए जगह से, बाद में बी पे गया हूं, बाद में सी पे आया हूं, बाद में ये डी पे आ गया, ठीक है, ए से बी, ओके, बी से सी, सी से डी। तो बच्चों ये हो गया समझो हमारा 1.5 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, और ये 0.5 किलोमीटर, राइट है बच्चों, ओके। तो यहां पे ये हो गया 2-3 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा ए टू डी, डिस्टेंस जो है बच्चों ये मैं लिख रहा हूं 3 किलोमीटर, ओके, समझ में आ रहा है, 1.5 और ये आधा 2 और ये 3 किलोमीटर ए डी। लेकिन बच्चों ये एक्चुअल कैसे जा रहा हूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब इसको कहेंगे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे एक्चुअल पाथ ट्रैवल, है ना, एक्चुअल है ना, ओके, ट्रैवल बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी पार्टिकल्स, है ना, एक्चुअल कैसे चल रही, इसको कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग मार्कर लेके बताऊंगा आपको, ये शॉर्टकट है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजिशन को कनेक्ट करना है, लेकिन कैसे, शॉर्टकट, मैं मान रहा हूं ये 2 किलोमीटर है, मान रहा हूं, ये कोई अंतर थोड़ी गिन रहे हम लोग। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का जो तरीका है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो शॉर्टेस्ट है ना डिस्टेंस बिटवीन, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, क्या आप समझ रहे हो, इनिशियल एंड फाइनल कैसे, देखो ए इनिशियल है और डी फाइनल, कहां आया हूं मैं, डी पे, तो ये शॉर्टकट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां पे एडी का ही अंतर लेकिन 2 किलोमीटर लिख रहा हूं, समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क। एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं फिलहाल में फ्लैट में रह रहा हूं, इस फ्लैट में मैं 3rd फ्लोर पे, ओके, तो मैंने मेरे विंडो यहां पे, इस विंडो से मैंने एक बॉल नीचे डाल दी, ठीक है, समझ रहे हो, तो एक बंदे ने इस विंडो को ओपन किया, ग्रिल जो थी ओपन विंडो जैसी है, तो यहां से ही जंप लगा दी, और एक को बोला, दो लड़के थे, एक लड़का डायरेक्ट जंप मार रहा है और दूसरा बंदा जो है वो है ना स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है, तो वो हो गया एक्चुअल पार्ट ट्रैवल, और जो विंडो से डायरेक्ट छलांग लगा रहा है बॉल की तरफ वो होगा शॉर्टकट डिस्टेंस, आप समझ रहे हो ना, हम लोग यही तो चाहते हैं सर, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एग्जांपल टाइप, तो बेसिक क्लियर करो, समझे, डिस्टेंस। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी बच्चों, स्केलर है, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी, समझाता हूं कैसे बच्चों, यहां पर ना फिक्स यहां पर फिक्स डायरेक्शन है, जैसे ए से बी गए यही साइड, बाद में ये है ना, फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पे फिक्स है, नीचे से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसा रहा हूं, तिरछा रहा हूं, डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन फिक्स बता सकता हूं, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं बताता हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिंपल चीज है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहां पर हम लोगों ने आपके लिए लिख के रखा है एक्चुअल पाथ कवर्ड, यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख के रखा है, अब लोगों को पढ़ने दूंगा मैं, डिस्टेंस ये स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
है ना, इसका हिस्सा यूनिट क्या हो सकता है, जैसे कि डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर, है ना, या शॉर्टेस्ट, ये भी मीटर किलोमीटर, यूनिट में फर्क नहीं आता है, यूनिट स्केलर हो या वेक्टर हो, इससे यूनिट पे कोई परिणाम नहीं होता। फार्मूला कर सकते डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, और यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल शॉर्टकट डिस्टेंस है ना, फार्मूला बन सकता है इसका। मैग्नीट्यूड नॉन निगेटिव, ये कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड ऑन चेंज इन डायरेक्शन, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ओके, जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस भी होता है। वैसे पाथ डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ पे डिपेंड है, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, शॉर्टकट डिस्टेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दिया वाला है, और पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद में स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है जानते हैं। स्पीड क्या है सर, मैंने बोला था आपको स्पीड और यहाँ वेलोसिटी लिखूंगा। सर स्पीड और वेलोसिटी क्या डिफरेंस होता है, सिंपल बात बताता हूँ। मेरी स्कूटी है, और स्कूटी को बड़े स्टैंड पे लगाओ, और इसका एक्सीलेटर, गाड़ी चालू करो एक्सीलेटर, तो वहां पे स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है ना, करेक्ट है, दिखाता है। लेकिन मैं गाड़ी को स्टैंड से निकालू और किसी दिशा में जाता हूं, तब वो वेलोसिटी होगी। मतलब समझाता हूं, स्पीड का फार्मूला है बच्चों, स्पीड का एक फार्मूला होता है डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, अभी अभी देखा डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए स्पीड को भी स्केलर बोल सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कौन है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये कौन है, स्केलर क्वांटिटी बच्चों, ये कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, यह डिस्टेंस है, इसलिए स्केलर है। चलिए ज्यादा इट डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हैं उसको, और इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फर्क। ये स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो, ये जीरो और निगेटिव नहीं हो सकती, ये निगेटिव हो सकती, जीरो हो सकती, पॉजिटिव हो सकती, इसका कारण है डिस्प्लेसमेंट, है ना। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन निकालो तो वो स्पीड बनती है, ध्यान रखना वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड, मतलब स्पीड हो और डायरेक्शन हो तब वो वेलोसिटी होगी। स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, बॉडी में पजेस द डिफरेंट वेलोसिटी, सेम स्पीड हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एक्सेलरेशन वर्ड कैसे याद रखें, कितने लोग स्कूटी चलाते, कमेंट में आंसर देना है, कितने लोग स्कूटी चलाते। स्कूटी में तो ना तो गियर होते हैं, जैसे कि फोर व्हीलर को गियर होते हैं, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं, लेकिन स्कूटी का जो वेग है बच्चों, जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो चेंज होती है किससे, एक्सेलरेटेड, है ना, एक्सेलरेशन करते और गाड़ी की स्पीड ज्यादा कम, ज्यादा कम। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, तो वेलोसिटी चेंज कैसे लिखते हैं, डीवी अपॉन डीटी, टाइम के साथ चेंज होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको कैसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समझते हो ना, डेरिवेटिव होता है, भला फिलहाल में बच्चे ने डेरिवेटिव पता नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, ये चेंज होने के लिए लिखते हैं ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये चेंज हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते थे, डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बदलना, फिर वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो उसको एक्सेलरेशन बोलना। और एक एग्जांपल दो, अपने घर पे कुछ नहीं, आपके घर में फैन है, फैन का जो स्विच है उसको ऑन करो, फैन करता है स्पीड पहले धीमे, बाद में बढ़ते 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 कट 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 कट, हमारा बहुत आवाज देता है सर फैन, है ना, तो स्पीड बढ़ती है, जब स्पीड बढ़ती है तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते बच्चा, क्या कहते बच्चा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव, क्या
जब हमारी वेलासिटी इंक्रीज हो, वेलासिटी है ना इंक्रीज, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, फैन ऑफ करो, फैन ऑफ करने से क्या होगा, स्पीड कम 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 होती है ना। क्या ऐसा होता है सर मैंने फैन बंद कर दिया तुरंत मेरा फैन बंद हो गया है सर, ऐसा नहीं होता है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, कब, जब हमारा फैन स्विच ऑफ हो जाए, वेलोसिटी डिग्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, है ना डिग्रीज होती है। यहां पे फैन का एग्जांपल ऑन का देता हूं और यहां फैन का एग्जांपल ऑफ देता हूं, चलेगा ओके। समझ में आ रहा है आपको एक्सेलरेशन के बारे में। आगे बढ़ते बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। कभी आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे और ऐसे किक मारते होंगे, मारते तो बॉल कभी कभी मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे चिपका के चलती है और थोड़ा सा ऊपर गई तो बॉल इस लेवल पे भी जाता है, ऐसा देखा होगा, देखो ऐसा बॉल जाता होगा। तो यहां पे एक एंगल मिलता है, इसको प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं। ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये जो है ये वाई एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रहा है और ऊपर जाना मतलब वाई एक्सिस की तरफ भी। तो ये जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, इसको है ना प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी कहते हैं। हमारा सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशंस, हमारा सवाल क्या है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशंस। चलिए देखते हैं, व्हेन पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन एयर, एयर में जाता है सम एंगल, देखो यहां पर एंगल दिख रहा है आपको, कुछ एंगल पे जाता है विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, या हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये अर्थ, और कुछ एंगल पे चले जा रहा है। Then the particle follow the spatial path, जो spatial एक path follow करता है, ये जो दिखा रहा हूं मैं है ना धनुष बाण, okay धनुष बाण देखा होगा, धनुष बाण देखा है ना, तो path follow करता under the action of gravity, लेकिन क्या है gravity बच्चों यहाँ पे, मतलब जब भी ball यहाँ आएगा तब gravity होगी है ना, weight बोलते हैं हम लोग mg, बराबर है बच्चों। यहाँ पे ये component होते हैं इसके, यहाँ बॉल जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसा कंपोनेंट होगा कुछ, ये कंपोनेंट बाद में पढ़ाने वाले हम लोग, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जब बॉल ऊपर जाती है बच्चों, जब बॉल ऊपर जाती है ऐसे ऊपर जाती है, तब इसको टाइम ऑफ असेंड कहते हैं, टाइम ऑफ असेंड कहते हैं, असेंड असेंड। और जब बॉल नीचे आती है टाइम ऑफ डिसेंड कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंड, ठीक है टाइम ऑफ डिसेंट। और जब ऊपर जाके नीचे आना तब उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ओके। ऊपर जाना टाइम ऑफ असेंट, नीचे आना टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाके नीचे आना टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। फ्लाइट, फ्लाइट ऊपर हवा में उड़ती बाद में नीचे आती है, तो पता होना चाहिए टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो अंतर होता है इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, ठीक है। ऊपर जाना इसको हाइट कहते हैं, चलो ये बात लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो आगे बढ़ता हूं। न्यूटन्स लॉ सबको पता है, न्यूटन्स लॉ, कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट हो, मतलब जैसे कि मैं रेस्ट में हूं अभी तो मैं रेस्ट में ही रहूंगा, अगर मोशन में हूं तो मोशन में। सर कौन सा एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कर रही है, मोशन में है बच्चों, क्या उसको रोक सकते हैं आप लोग, हाँ रोक सकते हैं, लेकिन सर इससे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी है ना। जैसे कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी है, खड़ी है तो खड़ी ही रहती, सर हम लोग तो मोशन में लाता, हाँ इसके लिए हमको पेट्रोल जलाना पड़ता है ना, पेट्रोल डीजल, समझे क्या आप, तो उससे ज्यादा देखो कोई चीज रेस्ट में होता तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, हम लोग जबरदस्ती उसको ढकलना चाहते हैं। कब ढकले सकते हैं, कब ढकल सकते हो, तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके, आई विल रिपीट, देखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक तो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहती है और मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहती है, इन स्ट्रेट लाइन, अनलेस कब तक, जब तक आप लोग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब ये मार्कर है, अगर वो घूमता रहे तो घूमता रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, इसको रोकना है तो रोक सकते हो, लेकिन अनबैलेंस फोर्स, इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई रेस्ट पे है तो इनर्शिया के कारण उस चीज को
वही जगह पे खड़े रहती, उसके लिए धक्का मारते थे पहले हम लोग। अभी आजकल गाड़ी में बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए धक्का देने का काम नहीं है भैया, समझ रहे हो। पहला लॉ, यूरिया ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन द अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। दूसरा लॉ है बच्चों, जिसका इक्वेशन भी है, मैं लॉ लिख के दे रहा, चेंज इन मोमेंटम, है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, मतलब Vf इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, डीपी ये चेंज इन मोमेंटम, सही में यही फार्मूला है, न्यूटन्स का सेकंड ही है। लेकिन आपको पता होगा m इंटू वी होता है पी का फार्मूला, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, तो f इज इक्वल टू मास, कॉन्स्टेंट है बच्चों, मास कभी चेंज होता नहीं है, मास चेंज हो सकता है उसको लाइट की स्पीड चाहिए, लेकिन लाइट की स्पीड में से हम लोग कोई चीज को तो फेंक नहीं सकते, लाइट की स्पीड है एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर, इसको लिखते समय ऐसे लिखते 3 × 10⁸, समझे क्या आप, ये स्पीड है बच्चों, ओके। तो इसीलिए मास को कांस्टेंट डेरिवेटिव बोलते हैं, डीवी अपॉन डीटी, क्या मैंने डीवी अपॉन डीटी अभी अभी आपको लिख के दिया है, भूल गए तो मैं बता दूं, एक्सेलरेशन बोला था, याद है बच्चों आपको डीवी अपॉन डीटी अभी अभी, तो इसीलिए F इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, मतलब फोर्स लगाने से बॉडी मोमेंटम चेंज करती है। हाँ देखो ना, मैंने फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड चेंज होगी, मोमेंटम हुआ ना, तो इसी को तो कहते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ। और ये इक्वेशन फाइनल है F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्चुअल में यहां से ये फॉर्मूला मिला है, पी मतलब मोमेंटम, डी बाई डी टी ये एक डेरिवेटिव होता है, ट्वेल्थ में आने के बाद पता लगेगा, ठीक है, या फिजिकल डीएम है। तो देखते फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करोगे तो उसका प्रोडक्ट मिलता है बच्चों मास एंड एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ना, स्पीड चेंज हो रही है ना बच्चों, समझे आप, ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको पता, लेकिन कब लगा सकते हैं, जब कॉन्टैक्ट हो जाए, जैसे कि मैंने इस बोर्ड को ऐसे जोर से मारेगा चाटा, तो भाई ये बोर्ड भी उतना ही फोर्स एक्ट करता है मेरे ऊपर। देखो ना, आप लोग किसी के कान के नीचे बजाओ, आपको हाथ को भी लगता है, वो पार्ट अलग है कि हाथ, हमारा गाल बहुत नाजुक होता है इसलिए ज्यादा थप्पड़ लगती है ना, तकलीफ ज्यादा होती है, यह हाथ बहुत भाई थोड़ा सा मजबूत है इसलिए तकलीफ कम होती है, बाकी कुछ नहीं आपको वो, लेकिन फोर्स दोनों तरफ सेम एक्ट होता है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कॉन्टैक्ट जब आए तभी ये लॉ लगाना है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन कॉन्टैक्ट होना चाहिए तो ही फायदा है, जैसे कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ या इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये फोर्स ऐसा लगेगा, ऐसा देखो कॉन्टैक्ट हो गया बोर्ड का और मेरा हाथ का, तो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहां पे आपका टेबल है, टेबल के ऊपर बक्सा रखा है, जैसे ये मेरे पास यहां पे भी टेबल है, यहां पे ये रखा, तो ये फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर ऊपर लगता है, देखो ये, इसी के कारण तो ये चीज टेबल पे खड़ी, नॉर्मल फोर्स ना लगता तो ये वेट के कारण नीचे आता बच्चों, दोनों फोर्स सेम है। यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं यहां पे कि ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने बक्सा रखा है ऐसे, ठीक है, तो इसके पास मास है, मास के कारण वेट है, अगर वेट ज्यादा रहता, जैसे कि दलदल होती है, दलदल पता है ना आपको, उस दलदल में किसी पत्थर को फेंक दो, देखो पत्थर अंदर अंदर जा रहा है क्योंकि वेट ज्यादा है, और ये कम सॉलिड होता है, वो जो दलदल है वो कम सॉलिड है या कम उसके एटॉमिक मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन कम है, इसलिए ज्यादा तगड़ा नहीं है, सॉलिड नहीं है ज्यादा, लेकिन ये टेबल सॉलिड है, इसीलिए जितना ज्यादा सॉलिड उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन अच्छा रहेगा। जैसे कि आजकल सीमेंट रोड बना रहे, क्यों बना रहे, क्योंकि वो उसका नॉर्मल फोर्स बहुत अच्छा है ना, समझे क्या मैं क्या बताना चाहता हूं, ये वेट जितना है उतना नॉर्मल, इसलिए चीज यहां टिकी है, अगर वेट ज्यादा रहता तो ये नीचे आता, नॉर्मल ज्यादा रहता तो ऊपर आता, ये है ना, ओके चलो। फोर्स एक्टिंग कैसा एक्ट करता बच्चों,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझते ना, 90 का एंगल, देखो परपेंडिकुलर, ओके, कहां पे, टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ इच अदर, दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आ जाए, आई विल रिपीट, दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो बच्चों यहां पे जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर लगता है, जहां पे फ्री फेस हो वहां पे, जैसे कि मेरा हाथ है ये फ्री फेस है इसलिए इधर लगा है, ओके, जैसे कि आप टेबल पे रखू तो ये ऊपर लगेगा, गॉट इट बच्चों, मैं समझ रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब ये मोशन में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको अपोज, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, देखो ये आगे लेके जा रहा है ना ये बंदा, देखो आजा भाई आजा एक बार आजा, देखो आ गया ये आगे लेके जा रहा है, तो ये फोर्स इधर लगेगा, अपोजिट, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, मैं चल रहा हूं मेरे पैर को भी पीछे खींचता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक जगह पे खड़ी है कोई चीज तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। देखो ये टेबल है मेरे पास, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं मुझे पता नहीं, ये दिख रहा है आपको, ये टेबल है मेरे पास, तो इसका अभी एक चीज खड़ी है, अभी इसका फ्रिक्शन, क्योंकि इसके इंटरमोलिक्यूल ये जो है ना फंस जाते हैं, भले आपको दिखाई ना दे लेकिन वो चीजें, इसका सा रफ सरफेस होता है, हमारा सरफेस भी हो, तो वो जब हम लोग ऐसे फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है, तब ये बड़े मुश्किल से हम लोगों को ढकलना पड़ेगी, और ये इजीली मोशन में हो तो इजीली मूव कर सकते, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉडी विच आर एट रेस्ट, रेस्ट पे हो जो बॉडी, दूसरे बॉडी पे, तो वहां लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब मोशन कर रही है, जैसे मैंने अभी दिखाया मोशन कर रहा था उस पहले लगता है। कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले ग्रेविटेशन फोर्स, जीएफ नाम का फोर्स आपको भी परेशान करता होगा, लेकिन ध्यान देना अभी पढ़ना है भाई, है ना, 11th 12th अच्छा तरह से पढ़ो, नहीं तो हमारा वो फोर्स बहुत बर्बाद कर देता है। जीएफ नाम का फोर्स पता लगा, अरे ईएफ नाम पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ। आप कुछ अलग समझ रहे हो तो भाई जागो, जागो ग्राहक जागो, समझ में आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशन फोर्स दो मासेस के बीच में होता है। सर मैं और मेरा जीएफ भी, उनका मास है, हमारे बीच में भी अट्रैक्शन है क्या? तो जी हाँ है, आपका भी अट्रैक्शन है, लेकिन मासेस कम है इसलिए अट्रैक्शन कम है। सर किसके फिर? अर्थ एंड मून, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या अर्थ सन को छोड़ के जा रही है? क्या मून अर्थ को छोड़ के जा रहा है? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो दो मासेस के बीच में, और इसका जो अंतर होता है वो सेंटर ऑफ मास, मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ मास, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, जहां मास कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसी चीज बैलेंस होती है, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। देखो इधर लेंथ ज्यादा है, इधर लेंथ कम है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका सेंटर यहां होगा, थोड़ा सा इधर ही, आधा आधा, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे ही हो जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, हर चीज पे ध्यान रखना, ओके। क्या आगे बढ़ सकता हूं मैं अभी? तो यहां पे ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, मेन इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, और इसके लिए फॉर्मूला है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इसका मास m1 दूसरे का m2, जितना बड़ा मास उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो आप किसी से तो मासेस बढ़ा दो। नहीं सर पतला रहने चाहते हम, और ये एक लॉ है, यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ है, ठीक है, अंतर का स्क्वायर है, मतलब अंतर बढ़ेगा तो फोर्स कम, अंतर बढ़ेगा तो फोर्स कम। तो इसको इकट्ठा लिखने का तरीका है जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। फिलहाल में फार्मूला नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, टेंथ में था लेकिन कोई टेंशन नहीं जी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ उसकी वैल्यू होती है बच्चों, जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नहीं याद रहा है तो टेंशन मत लो, ठीक है। जीएफ नाम समझ में आ गया। अभी यहां पे दो चार्जेस के बीच का फोर्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव, निगेटिव भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, दोनों के बीच का अंतर आ रहे, ठीक है, Q1 ये Q2 चार्ज है।
ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्शन वाला भी फोर्स सकता है, रिपल्शन, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स है, दोनों भी फोर्स हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, दोनों फोर्स हो सकते हैं। सेम टू सेम यहां पे मासेस थे, यहां चार्जेस है, इसलिए Q1 Q2 है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो इकट्ठा लिखना है तो के Q1 Q2 ये कांस्टेंट है, के जैसे जी कांस्टेंट है ना, r स्क्वायर, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है इसमें, नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना। तो ये आपको यहां जो दिया था ये देखो, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव है, ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ, दोनों भी है यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम पे डिपेंड करता, इसमें मीडियम कोई भी रहने दो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी, कोई फर्क नहीं, ये फोर्स ज्यादा दूर नहीं होता है, लॉन्ग रेंज में ज्यादा नहीं, ये सबसे ज्यादा होता है, बहुत दूर, देखो अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन कितना दूर। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इससे कोई आपको फिलहाल में लेना देना नहीं है। एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक्चुअल में ये कोई फोर्स नहीं है, ये किसी के कारण तैयार होते हैं। मतलब समझाता हूं, कोई भी चीज गोल घूम रही है तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स या CFF दोनों में से कोई भी फोर्स लगा सकते हो, बताऊंगा मैं, ठीक है, कैसे समझाता हूं। कोई भी चीज गोल घूमती है तब उसका फोर्स होता है बच्चों सेंटर पे, दिखा सकते हैं, जैसे कि एक रस्सी ले लो, पत्थर घुमा, गोल घुमा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, या ये अर्थ है, अर्थ मंथ है, ये मून है और गोल घूम रहा है। बच्चों यहां पे ये अर्थ है और ये मून है, दोनों के बीच में फोर्स कौन सा है, अभी अभी देखा हमने, GF नाम का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण गोल घूम रहा है, गोल कौन कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन बोलते कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते, सेंट्रीफ्यूगल कब बोलते वो भी बताऊंगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियस, नाम सुना है, न्यूक्लियस पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है ना न्यूक्लियस के अराउंड, कौन सा फोर्स है बच्चों, EF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, गोल घूम रहा है, बोलना क्या है, CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलना है, क्या बात समझ में आ रही है। जब भी चीज कोई गोल घूमती है ना, तब सेंट्रीपिटल फोर्स बोलना है। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब बोलेंगे, बच्चों देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये देखने का नजरिया है। मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा, कोनिकल पेंडुलम होता है, एक रस्सी ले लो, ले लिए सर, एक उसको पत्थर बांधो, बांध लिया सर, और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाओ, हॉरिजॉन्टल सर्कल समझते हो, हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, टेबल फैन होता है, टेबल फैन वो हो गया वर्टिकल सर्कल, सीलिंग फैन ऊपर रहता है, हॉरिजॉन्टल, बात समझ में आ रही है आपको, कोई टेंशन है मेरे बच्चे, ओके। तो यहां पे एंगल है थीटा, ये यहां पे वेट होगा बच्चों mg, समझे ना, यहां पे ध्यान देना, यहां पे में अब देखो एक बंदा है जो कि यहां से देख रहा है, ऐसे दूर से देख रहा है, ठीक है, उसने देखा कि ये एक बॉब है और वो गोल घूम रहा है, गोल घुमा तो CPF सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब ये बंदा यहां पे जाके खड़ा रह गया, अब क्या होगा, ये चीज गोल घूम रही है और इसके ऊपर जाके खड़ा हो गया, तो उसको डर लगेगा कि मुझे कोई बाहर खींच रहा है, या बाहर गिर ना जाओ, बाहर के तरफ मैं जाने की, मतलब जाने की चांसेस है, ऐसा उसको फील होगा बच्चों। तो जब इसको बाहर जाने का फील होता है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, बाहर, अवे अवे, बाहर रहा तो अवे, ओके, कंफ्यूजन दूर हो गया। जब अंदर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ ऐसा फील होता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स, जब बाहर फोर्स लग रहा है ये फील होता है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके बच्चों, यहां पे लिखा है हम लोगों ने, आप पढ़ सकते हो, देखो ये रियल फोर्स है, ये सुडोज इमेजिनरी फोर्स है, ये टुवर्ड द सेंटर, देखो टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर बच्चों,
टूवर्ड द सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर है ना। ओके इसका एक फार्मूला है, फार्मूला नहीं याद रहा तो कोई टेंशन नहीं, और भी फार्मूला लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर बाय आर है, और भी है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक है एम वी ओमेगा। ठीक है चलो बाकी की चीज़ें मत पढ़ो। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी जैसे कोई मोशन में हो तब काइनेटिक एनर्जी, अब जब कोई रेस्ट हो जैसे कि ये मार्कर को हाइट पे लेके गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी एच, इसके फार्मूले लिख के दूंगा मैं और इस खत्म करूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके बाद। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है बच्चों एम जी एच, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो मोशन मतलब वेलोसिटी, स्टेट होनी चाहिए कोई तो ऊपर लेके गया। ओके ठीक है बच्चों चलिए, इसके अलावा लीनियर मोमेंटम मैंने जो पहले ही बोला था आपको, फार्मूला था मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फार्मूला देखते हैं। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी लेकिन मोमेंटम कर रही कहाँ, ऊपर, कहाँ सर, नीचे है ना, वेक्टर डिफाइन एज द प्रोडक्ट है मास का एंड वेलोसिटी का, इसी को कहते हैं बच्चों लीनियर मोमेंटम। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इंपल्स, इंपल्स का एग्जांपल बताता हूं, बॉल और बैट, क्रिकेट खेलते हो आप लोग और ये सिक्स मार दिया आपने, वो बॉल बैट को जब टच होता है वो कितना समय होगा, सेकंड, कुछ सेकंड, दो सेकंड, एक सेकंड, तीन सेकंड है ना, और फोर्स लार्ज अमाउंट, बहुत जोर से सिक्स मारना है तो जोर से मारना पड़ेगा, विराट कोहली, धोनी साहब ने, सचिन तेंदुलकर ने सिक्स मारते थे, क्या टाइम क्यों इंपॉर्टेंट, कम समय में वो मारना पड़ता है और ज्यादा फोर्स, इसी को इंपल्स कहते हैं, इसलिए इंपल्स का सिंबल ये है। फोर्स इंटू टाइम मतलब फोर्स, ये लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए बच्चों, इसी को इंपल्स कहा जाता है। और एग्जांपल बंदूक की गोली मार दी, कितना फोर्स लगाती और लगने का जो टाइम है भैया वो बहुत कम है, इसी को इंपल्स कहते हैं। फोर्स एक्टिंग फॉर द शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस द इनफिनाइट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसी को इंपल्स कहते हैं। या आल्सो डिफाइन एज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं इसको। देखो इंपल्स को और एक नाम दिया है हमने और उसका नाम है बच्चों चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मतलब ही चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होना चाहिए, इसी को इंपल्स कहते हैं, है ना, क्योंकि आपने गोली मार दी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा ना भाई, बैट मार दी बॉल को तो देखो पहले की स्पीड बाद की स्पीड चेंज होता है मोमेंटम, इसी को कहते हैं इंपल्स। ये बेसिक चीजें मैंने दी थी, क्या आपको फार्मूले भी चाहिए बेसिक्स, और क्या क्या बेसिक चाहिए मुझे बताना है आप लोगों को, और जो जो बच्चे चाहते हैं और जैसे कि पढ़ना, जैसे कि हमारे पास बोर्ड के लिए भी कुछ पढ़ा रहे, शौर्य बैच है स्टार्ट हो चुकी है, सीईटी पढ़ रहे तो सीईटी के लिए भी हम लोगों ने कुछ कोर्स लॉन्च किए। अगर आप पीजीएमएन ऐप पे जाओगे तो माय कोर्स में जाओ, माय कोर्स में आपको ये कोर्सेज दिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे सीईटी करना है ना, बोर्ड बोर्ड करना है तो शौर्य 3.0 बैच है बच्चों, टॉपर एडवांस बैच है 2025 के लिए, ध्यान रखना, और शौर्य बैच है 3.0 ये भी बैच है। मैथ के लिए दिनेश सर पढ़ा रहे, सोइन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहे, और हम लोग बहुत ही बेहतरीन, इस साल भी बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट आया है, हमने बोर्ड में भी 98 नंबर लाए, इस साल तो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लाना है। क्या आप लोग भी ज्वाइन होना चाहते हो तो पीजीएमएन ऐप को डाउनलोड करो और लाइव सेशन में बहुत एनिमेटेड पढ़ा, यहाँ पे एनिमेटेड नहीं पढ़ा सकते, कॉपीराइट क्लेम आता, वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता बच्चों, तो एनिमेटेड पढ़ाते, बहुत ही मजा कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। 11th वाले के लिए भी हमारे पास कुछ बैचेस है, जैसे कि अलग अलग बैचेस होती है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत, देखो यहाँ पे सक्सेस बैच है, खाली बस 11 रुपये भरना है, ये बैच में आप लोग आ सकते हो, इसमें भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। किसी को सीईटी करना है 11th के लिए तो वो भी बैच है, ठीक है, अलग अलग कोर्सेस से आप लोग आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही सेशन में, आपको क्या चाहिए लेकिन कमेंट में जरूर लिखिए। चलो बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।